पूछो, तेरे पास बाम है क्या? है ना? वाह! Oh my God, not bad, very good. वैसे का प्रॉब्लम एक ही है. क्या? कि रमन को ना थोड़ा सा कुछ ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए मैंने सिर्फ फ्लावर्स रखे, कैंडल नहीं रख पाई. अरे हाँ, फ्लावर्स भी चलेंगे. वैसे मुझे नहीं लगता अब उसे एम्बुलेंस की कोई जरूरत है. बोलो. सो क्या क्या कहा डॉक्टर मुखर्जी ने? उन्होंने कहा कि है, पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन हमें और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि चांसेस कितने हैं. बट ईशु, आई एम रियली ग्लैड कि तुमने इस तरफ पहला कदम तो बढ़ाया. तुम लोग बेबी के बारे में सोच रहे हो, आई एम सो एक्साइटेड. और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो रूही है. पता है अभी श्रवु को आकर क्या बोला उसने? मेरे पास भी एक छोटा बेबी आने वाला है. शी डिड दैट? या रोही ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है. अरे सबके सामने जाके क्या क्या बातें कर रही है. ओके, शी इज अ किड, लेट हर गेट एक्साइटेड. नहीं पर अक्का, उसे समझाना होगा कि मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतने भी चांसेस नहीं है. ईशु प्लीज प्लीज. नो, तूने कहा ना कि अभी चांस है, तो बस नेगेटिव मत सोच. देख, तू पॉजिटिव सोचेगी ना तो तेरी बॉडी भी पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगी. Ishu, I'm a mother. I know how good a mother you are. You're so sensitive towards your kids. तो बस तू बस पॉजिटिव सोच. तू पॉजिटिव सोचेगी तो पॉजिटिव ही होगा, समझी? तो बस फिर अब टाइम वेस्ट मत कर. ओके, आपका आज का चलो. तो रमन कहाँ है वैसे? रमन वियर्ड हो गए आपका. आई थिंक कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह जिसके लिए बहुत स्ट्रेस्ड आउट है. आदि के रूम में बैठे, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है उनका, वो मिहिर और उनके ऑफिस के लोगों के साथ. क्यों आदि के रूम में? क्यों? क्योंकि अपेरेंटली मैं उन्हें डिस्टर्ब करती हूँ. डिस्टर्ब करती है कि डिस्ट्रैक्ट करती है? क्या हो गया आपको अंका? अच्छा लिसन, सेकंड बेबी हैज चेंज्ड यू. शट अप, लिसन. अब जब वो आएगा ना रमन, तो उसे काम मत करने देना, मतलब ऑफिस वाला. ओके ओके अंका. और कुछ अंका? ये चाहिए ना आपको, जिस काम के लिए आए थे वो लो और चलो. थैंक यू, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मालिके. आओ अपना से. हाँ, बाकी सब ठीक है. तू कल सुबह के पीपीटी बना ले. वैसे तू घर पे था ना, तो वापस ऑफिस क्यों आया तू? अरे नहीं भाई, बहुत काम बाकी था और घर पे बैठ के काम नहीं होता. ठीक है, जा बाय. आदि कहाँ है? आदि आदि को कुछ काम था तो मेकर के पास गया है. अभी भी तो उसका स्प्रेन ठीक हुआ है और उसने अभी से इतना उछल कूद चालू कर दिया. ऐसे कैसे, थोड़ा आराम करना चाहिए उसको भी. लुक एट यू रमन, आप खुद कितने स्ट्रेस्ड आउट हो. अब बंद करो आप ये सब, चलो सोने. अरे यार, तुम चैन से आदमी को जीने नहीं दे सकती यार. जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आ जाती हूँ, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं है. मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? चौक कर रखा है आदमी को यार, मर जाऊंगा क्या? स्वर तक आओगे पीछे पीछे. मरने मारने की बातें क्यों करते, मुझे ये नहीं समझ में आता. और आपको एक गलत फहमी हो रही है कि आप स्वर्ग जा रहे हो. आप तो नरक ही जाओगे और मैं वहां भी आऊंगी आपके पीछे. प्लीज जाओ. जा रही हूँ. जाओ यार प्लीज. हाँ हाँ जा रही हूँ. हद होती है किसी बात की. एक तरफ तो मैं रूम से जा रही हूँ, फ्लावर्स लगा रही हूँ, और रमन मुझे उल्टे सीधे नाम बुला रहे हैं. सॉरी यार, लेकिन क्या करूं, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुमसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रहा हूं. हेलो. हाँ क्या क्या? नीचे मैं आ रही हूँ. रिंकी क्या हुआ भैया? ये मैडम जी हमारी गाड़ी में बैठी थी और यहाँ का एड्रेस बताया था, और जब तक यहाँ पर पहुंचे, देखिए ना, इन्हें तो होश ही नहीं है. फिर इनका मोबाइल देखा तो उसमें इसी था भाभी का नंबर था सबसे ऊपर, तो हमने उसी पर फोन लगा दिया. आप ही है क्या इसी? थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ा काम किया. थैंक यू मैडम. रिंकी रिंकी चलो चलो घर चलो बेटा, आराम से संभाल के. ओए आराम से संभाल के रिंकी, पैर संभाल, आराम से कम सिट, ये तो आराम से पानी पियोगी? हो क्या क्या इस लड़की को, कोई तरीका है? कैंप में कैसे पास आउट हो सकती है ये?
अगर मीर को अभी बताऊंगी तो बहुत टेंशन में आ जाएगा। सुबह बताऊंगी मैं। लाइट्स। रमन यहाँ? शायद आदि अंदर सो गया होगा, इसलिए ये यहाँ काम करते करते सो गए। चल के सो जाओ। क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं रमन? जो समझ नहीं आ रहा इस प्रोजेक्ट का कितना स्ट्रेस है रमन को। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगेगा क्या है ये सब रिंकी? तुम्हें मालूम है कल रात को तुम कितना ड्रंक थी? जो तुम शुक्र बनाओ कि वो कैब वाला अच्छा था, वो तुम्हें घर तक छोड़कर गया है। अगर कुछ हो जाता तो सोचा तुमने एक भी बार? किसी भी अनजानी जगह पे जाके तुम्हें हाउ डू आई एक्सप्लेन यू रिंकी? वो सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। इतनी गैर जिम्मेदार तुम कैसे हो सकती हो? और क्या कैसी कंपनी है तुम्हारी? कैसे दोस्त हैं तुम्हारे जो कि तुम्हें इन सब चीजों के लिए फोर्स कर रहे हैं? आई डोंट नो तुमने क्यों किया और उन लोग की हेल्प लेके क्यों नहीं आई घर? हाँ, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे जिनके बारे में मीर तक को नहीं पता है? सॉरी भाभी, मैं मीर को बता देती हूँ। तुम्हारे ऊपर है, बताना है नहीं बताना है, व्हाटएवर। मतलब मैंने तो घर पे भी किसी को भी नहीं बताया है, ना मीर को, ना रमन, पापा जी या रूमी। तुम्हें मालूम है कि अगर मैंने किसी को भी बता दिया होता तो आज क्या होता? सॉरी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। देखो, मस्ती मजाक करना अलग बात है, तुम्हें हक है जिंदगी के भी मजे लेने का, लेकिन भाभी प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं, मेरी जगह मम्मी जी होती तो वो भी तुमसे ये बात करती है अभी। इनफैक्ट वो तुम्हें ज्यादा डांटती, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं रेडियो के बस निकल ही रही हूँ। नहीं, अरे ईद की छुट्टी है ना। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ईद मुबारक हो। ओके रिंकी, प्लीज भाभी, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मीर भी वेट करा होगा। बाय। हाँ पाठक, नहीं आज ईद है ना, इसलिए ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने कहा तू वैसे ही पेपर रेडी कर। ठीक, ओके, मैं बाद में फोन करता। हाँ बेटा, मुझे ईद के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं और मेरी फ्रेंड थी ना, उसको ईद विश करने जाना है। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया तो फिर आप ब्रेकफास्ट कर लो, ऋषि माँ को कहना वो आपको ले जाएंगे, और आदि भैया से भी कहना। ओके ओके बाबा, मैं आदि भैया को रेडी होने के लिए बोल दूंगी। बच्चे कितने खुश रहे, मैं जाकर भी सच नहीं बोल सकता, कम से कम आखिरी दिनों में इनकी खुशी में शामिल हो सकता। मुझे हिम्मत रखनी होगी, आखिरी ईद तो क्या हो, ईद तो ईद, मनाना पड़ता है।